मुझे बड़ा डर लग रहा है भाई इससे, बड़ा खौफ सा आ रहा है। ये देखिए गाइस, मैंने हाथ में पकड़ लिया ईगल और ये ईगल हमें गिफ्ट मिला है गाइस। ये देखिए कितना जबरदस्त, ये मेरा ऊपर और चिकी चिकी आओ, अल्लाह अल्लाह ये मेरे ऊपर चढ़ गया ईगल मेरा, इसने मेरे ऊपर तो अटैक ही कर दिया। हाय चिकी, इधर आप बैठोगे, इधर रहोगे, ये अब आपका घर है। चूंच भी मारता है, चूंच भी मारता है गाइस, ये चूंच भी मारता है, मैं तो निकल रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज का अपना मजेदार सा व्लॉग शुरू कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। गाइस आज हमारे मिनी जू में, हमारे बर्ड सेटअप में कुछ बच्चे आए हुए हैं एक जबरदस्त सी चीज लेकर। वो क्या चीज है मैं दिखाती हूँ। तो अभी ये देखें, ये ईगल लेकर आए हुए हैं। ये बच्चा जो है ना, ये अब्दुल्ला का दोस्त, और ये ईगल अपना लेकर आया हुआ और कहता है कि मैंने आपको गिफ्ट करना है। मैं तो इससे बहुत ज्यादा डर रही हूँ, ये मेरी मम्मा कहती है बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। पहले मैंने वैसे कभी जो है ना ईगल देखा नहीं है, बुक्स वगैरह में ही देखा, रियल में कभी हाथ में भी नहीं पकड़ा और कभी देखा भी नहीं है। अभी ट्राई करती हूँ हाथ में इसको पकड़ने की और देखते हैं कैसा तजर्बा रहता है। कपड़ा चढ़ा कर इसको हाथ पे करें, ये इसके नेल्स लग ना जाए। हैं पे इसको ना कपड़ा चढ़ा के ना बिठाना, नहीं तो ना इसके नाखून बड़े लगते हैं। देखिए कितने डेंजरस है, इसके नाखून बहुत ज्यादा लगेंगे। ये आपको छोड़ दो, वो कपड़ा ले लो, वो सभा कपड़ा उठा के दो इसको। और इसका नाम क्या है? चिकी। चिकी, मैं चिकी बुलाता हूँ, चिकी बुलाते हो। तो ये बच्चा बड़ा शौकीन है, इसके घर में भी बर्ड सेटअप है और इसने अपना बर्ड सेटअप बनाया हुआ है। और आज ये लोग देखने भी आए थे हमारा बर्ड सेटअप, और अब्दुल्ला के फ्रेंड्स हैं और इनके पास ईगल था तो कहते हैं हम आपको देते हैं ईगल। मैंने कहा मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि गाइस ये बहुत डेंजरस है, चूंच भी मार लेते हैं। और बाकी परिंदे अभी आप लोगों को पता है कि मेरे छोटे छोटे हैं, कॉकटेल और बाकी बर्ड्स जो है ना वो छोटे छोटे हैं, तो मैंने इनको बोला है कि अभी मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता। वो मेरे आजकल पेपर्स भी हैं, मैं अपने पेपर्स की तैयारियों में भी मसरूफ हूँ और अब्दुल्ला भी, वो भी नहीं होता। तो ईगल को हाथ में पकड़ती हूँ, हाथ में पकड़ती हूँ, देखते हैं कैसे रहता है। इधर आ जाओ, इधर अब्दुल्ला इधर ले आओ इसको, इसको लेकर आओ अब्दुल्ला, ध्यान से, ये ना आपी को काट ले, ये आजो। मुझे बड़ा डर लग रहा है भाई इससे, बड़ा खौफ सा आ रहा है। ये देखिए गाइस, मैंने हाथ में पकड़ लिया ईगल और ये ईगल हमें गिफ्ट मिला है गाइस। ये देखिए कितना जबरदस्त, ये मेरे ऊपर चढ़ गया। और चिकी चिकी आओ, अल्लाह अल्लाह ये इसने मेरे ऊपर तो अटैक ही कर दिया, मेरे सारे बाल इसने बिखेर दिए हैं। इसने तो गाइस मेरे सारे बाल ही बिखेर दिया, मेरे सर के ऊपर बैठ गया और मुझे तो बहुत ज्यादा इससे खौफ आ रहा है। इसके नाखून बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, हमारे पास तो ये नया नया है, हमें तो ये काट भी सकता है और बाकी बर्ड्स भी हमारे अभी छोटे हैं, तो इसके लिए तो मुझे कोई जबरदस्त सा अरेंज करना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ जब मैं फ्री हो जाऊंगी ना तब मैं आप लोगों से लूंगी, अभी तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। इसको तुम लोग ले जाओ, मुझे तो इससे वैसे ही डर लगा, मेरी मम्मा बहुत ज्यादा इससे डर रही है। आप ही अगर आप बर्ड सेटअप रखें ना, ऐसी चीजों का शौक रखना चाहिए। और ये कहते हैं कि आप ही आप इसको अपने बर्ड सेटअप पर रखो, तभी मेरे पास ऐसा कोई भी जो है ना इसके लिए खाली पिंजरा नहीं है जिसमें मैं इसको रखूंगी। और इसका खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है और ना ये नया नया है, मेरी अम्मी बहुत ज्यादा डर रही है क्योंकि मेरी अम्मी कहती है इसकी चूंच लग गई ना आंख में तो आंख निकाल लेगा ये। तो अभी मैं इनको ये ना इनका वापस करूंगी। तो इसको अब्दुल्ला के शौक पर हम लोग रख लेते हैं, इन बच्चों से मैंने ले लिया ईगल, हम इसको शिकार की बोटियां खिला रहे। वैसे इनकी खुराक तो शिकार ही होती है, ये हम लोग इनको चिकन डालते गाइस। इन इन औकाब की ये जो हम लोगों ने लिया है ना, क्या इसका नाम बता रहे थे? ईगल। ईगल की जो है ना खुराक तो वो शिकार ही होता है, इसको हम लोगों ने शिकार डाला है। अभी अब्बू लेकर आए थे कल तो वो हम लोगों ने डाला है, अभी ये खा नहीं रहा क्योंकि ये नए घर में शिफ्ट हुआ है तो अभी ये नहीं खा रहा। इंशाल्लाह ये कल से खाना शुरू हो जाएगा और एक दो दिन के लिए रखेंगे, उसके बाद जो है ना इनको वापस कर दें। तो हम लोग अपने मिनी जू में शिफ्ट करने वाले हैं, इन बच्चों ने मुझे ईगल दे दिया है अपना, कर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अगर ईगल हमारे साथ सही रहा तो ये मैं पक्का पक्का ही रख लूंगी, नहीं तो फिर मैं एक दो दिन में आप लोगों को वापस कर दूंगी क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। और गाइस मेरे पेपर्स भी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो मैं अभी वो वाले बर्ड्स रख रही हूँ जिनकी मैं खुद केयर कर सकूँ क्योंकि अब्दुल्ला भी सिर्फ एक दिन के लिए घर आता है
और ये कल तक इंशाल्लाह वापस चला जाएगा। और मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ईगल को किस तरह से ट्रीट करना है, इसकी खुराक का मुझे नहीं पता प्रॉपर, इन बच्चों से पूछते हैं। और ये लोग अपनी खुशी से मुझे देखकर जा रहे हैं, अपनी खुशी से लाए हो ना? बिल्कुल अपनी खुशी से लाए हैं, अब्दुल्ला के दोस्त हैं और इन्हें पता चला कि आप ने अपना मिनी जू बनाया है और ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आ गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, छोटे छोटे बच्चे मुझे देखते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। चलो इसको करो, जल्दी से करो, अंधेरा हो रहा है। गाइस अभी जो है ना मगरिब का टाइम हो रहा है और इन्होंने भी वापस अपने घर जाना है। ये देखो हमारे सारे बाकी जानवर भी इधर ही खड़े हैं, ये देखिए। तो अभी डायमंड डब को हम इस केज, छोटे केज के अंदर शिफ्ट करेंगे। अंदर चले गए हो? बच्चा जो है ना वो अंदर चला गया हमारे केज के। मिनी जू जो है ना वो अब बन चुका है और आहिस्ता आहिस्ता मैं इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। और अभी तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, व्लॉग भी जो है ना वो प्रॉपर तरीके से बना नहीं रही, और अगर बना लेती तो एडिटिंग का टाइम नहीं होता। तो आज ये लोग ईगल अचानक से लेकर आए हैं और मैंने सोचा कि जल्दी से इनके साथ व्लॉग बना लूं। तो अभी मैं आप लोग को अपने बाकी बर्ड्स भी दिखाती हूं जो कि हम लास्ट व्लॉग में लाए थे, मैंने आप लोग को साथ शेयर किया था। ये देखे सारे हमारे छोटे पैरट्स जो है ना वो हम लोगों ने इस केज में शिफ्ट किए हुए थे। और कुछ लोग मुझे कमेंट्स करके कह रहे थे कि आप अपनी हंडियां जो है ना वो बैक दीवार के साथ लगाएं। हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट लाएंगे और हंडियां जो है ना वो बैक साइड पे लगाएंगे और इनको कलर भी करना है। कुछ लोग ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि इनको कलर करें, तो इंशाल्लाह हम अपना मिनी जू बहुत जल्दी कलर भी करेंगे क्योंकि अब बारिशें बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से जो है ना वो मैंने अपने मिनी जू को अभी पेंट नहीं करवाया। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जालियां पेंट करवाएंगे और हंडियां भी पेंट करनी है और भी बहुत मजे की चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो बस आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, इससे मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है और मेरा मजीद दिल करता है व्लॉग बनाने को। फाइनली गाइस ईगल को जो है ना वो हम लोगों ने इधर शिफ्ट कर दिया, ये देखें इस केज के अंदर हमने ईगल को शिफ्ट कर दिया। इस तरह से हमने स्टैंड लगाया है और उसके ऊपर हमने बिठा दिया। हाय चिकी, इधर आप बैठोगे, इधर रहोगे, ये अब आपका घर है। चूंच भी मारता है, चूंच भी मारता है गाइस, ये चूंच भी मारता है, मैं तो निकल रही हूँ भाई, ये चूंच मारता है, काट लिया ईगल ने मुझे। शिकार भी इसका हमने कटोरी के अंदर ही रख दिया और ईगल को भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया। और ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये देखें गाइस, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो ये तुम लोग, ये इसको उस खाने में लगाने लगे हैं, फिर इसके ऊपर बैठेंगे तो सही लगेगा। ये उधर शिफ्ट कर रहे हो गाइज, अभी अब्दुल्ला पता नहीं कोई अपने ही काम लगा हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं है। मेरा भाई बड़े जुगाड़ लगाता है, बड़े एक्सपीरियंस करता है। अभी ये इस दरख्त को काट रहा है क्योंकि ये खुश्क हो गया है और इसको कह रहा है कि हम अंदर केज के अंदर शिफ्ट करते हैं, इसके ऊपर हमारे छोटे तोते बैठे। काम देखे इस बच्चे के, काम देखे, इसने पूरा दरख्त जो है ना ये तोड़ दिया। अम्मी तन दस है कि मेरा पुत्र सूखा था, ये देखे ये ना दरख्त सारा खुश्क हो गया, ये चल ही नहीं रहा, इस वजह से हमने ना इसको काट दिया। भाई जो है ना वो अपने काम को ही लगा हुआ है। और गाइज अभी जो है ना वो मैं जाती हूँ, चलकर मैंने अपने पेपर की तैयारी भी करनी है क्योंकि 2 तारीख को जो है ना 2 अक्टूबर को मेरे पेपर्स हैं और अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ना ये मैं कर रही हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। गाइज नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज। मैं जा रहा हूँ और आप भी को आखिरी बार यही कहूँगा ना कि सुबह इसको रोटी डाल देना घी की, उसके अलावा 2-3 घंटों के बाद इसको थोड़ा चिकन डाल देना और जब फुल इसका पेट हो जाएगा फिर उसके बाद शाम को डाल देना, शाम को डाल दो टाइम ये खाता है तो ठीक है। ये बच्चा जो है ना ईगल की खुराक मुझे बताकर जा रहा है। मैंने अपनी प्यारी स्पाइकी से तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी स्पाइकी को, आज मैंने ना बांधा हुआ है। हाय स्पाइक, कैसे हो? ये देखे बड़ी बेताब हो रही है, कहती है कि बस छोड़ दिया जाए। बस लोग ईगल लेकर आए थे और ये नई चीज पर बहुत ज्यादा जल्दी अटैक करती है, इस वजह से मैंने आज स्पाइकी को बांधा हुआ था। तो स्पाइक आज आप बांधे हुए, बस मैंने नहीं छोड़ना आज आपको, आप बहुत तंग करते हो स्पाइकी। ईगल लेकर आया ना ये भौंकना शुरू हो गई और वो ईगल भी डर रहा था थोड़ा सा, तो इस वजह से जो है ना इसको मैंने जल्दी से बांध दिया कि ये उनके ईगल पर अटैक ही ना कर ले। तो वो बच्चे मुझे गिफ्ट देकर चले गए और माशाल्लाह से बहुत उनका खूबसूरत गिफ्ट है। अब हम ईगल के साथ अपना एक्सपीरियंस देखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम अपना ईगल भी ले आएंगे, इंशाल्लाह हम अपने मिनी जू में सब कुछ लाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीजें इम्प्रूव करेंगे और आप लोगों के साथ बहुत मजे मजे की चीजें शेयर किया करूंगी। तो बस थोड़ी सी मैं जो है ना 10 अक्टूबर तक फ्री हो जाऊंगी, फिर आएगा मजा। बहुत सारी दुआ करनी मेरे लिए, मेरे एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज।